सभी दर्शकों का आनंदराज हरदोई चैनल पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हमारे बीच में वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल से आए हुए हैं साहब, जो प्रदेश लेवल के कार्यकर्ता हैं और वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल में काम कर रहे हैं। तो आज हम लोग साहब से जानना चाहते हैं। सबसे पहले साहब, आपका आनंदराज हरदोई चैनल पर स्वागत करता हूँ। धन्यवाद आपका। साहब, ये जानना चाहता हूँ वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल, इसके बारे में मैं भी सोशल मीडिया से जानकारी मुझे मिली, आप लोगों के द्वारा मिली, अच्छी विचारधारा है, तो उसको समाज जाने, उसको हमारे बहुजन समाज के लोग जाने जी, और लोग उससे जुड़े जी। तो जब जुड़ेंगे तभी जब उसके बारे में उनको जानकारी होगी। हाँ। तो इसके बारे में जो है आप बताइए, ये आर्थिक आजादी क्या है साहब, इसको थोड़ा परिभाषित कर दीजिए। देखिए, अभी तक आपने देखा होगा तमाम सामाजिक संगठन, तमाम राजनीतिक संगठन जी जी सामाजिक चिंतन और सामाजिक आजादी की बात करते रहे हैं, लेकिन किसी ने भी आर्थिक आजादी की तरफ ध्यान नहीं दिया जी जी जी। जब तक आदमी की स्थिति में आर्थिक परिवर्तन बढ़िया नहीं होता, बेहतर नहीं होता, तब तक उसकी स्थिति जो है बहुत बेहतर नहीं होती जी। मेरा ये मानना है, पार्टी का मानना है और गांधी जी का मानना है कि अगर आर्थिक स्थिति किसी की सुधर जाए तो उसकी सामाजिक स्थिति अपने आप सुधरने लगती है, उसमें समाज में उसको इज्जत मिलने लगती है, सम्मान मिल जाएगा, जो आर्थिक व्यवस्था मजबूत होगी। तो उसके लिए उन्होंने 2011 में संसद में एक कानून पास कराया था, वोटर पेंशन जी, जिसके हिसाब से जो देश में एक नागरिक की आमदनी होती है जो करीब 12,000 थी, तो उसका आधा उन्होंने वोटर पेंशन के रूप में मंजूर कराने का प्रयास किया था। उसमें 137 सांसदों ने लिखित मंजूरी दी थी जी, और करीब 100-150 सांसदों ने मौखिक रूप से कहा था कि संसद में जब बिल आएगा तो हम इसका समर्थन कर देंगे जी। संसद में बिल आने के लिए डेट लग गई जी, लेकिन उससे पहले जब इस देश के कैपिटलिस्टों को पता लगा तो उन्होंने उस डेट से पहले ही संसद को खत्म करा दिया जी। इसलिए वो संसद में पेश होने से रह गया, लेकिन गोयल कमेटी में, स्टैंडिंग कमेटी में जाकर के फिर ये बिल पास हो गया जी। तो उस बिल के पास होने के बाद उसको लागू होना चाहिए और हर देश के हर वोटर को 6,000 रुपया मासिक मिलना ही चाहिए जी। अगर ये 6,000 रुपया मासिक उसको मिलने लग जाए तो उसकी आर्थिक स्थिति दुरुस्त होना शुरू हो जाएगी जी। तो साहब, जैसे एक घर में 5 लोग हैं वोटर, तो 5 लोगों को मिलेगा। हाँ, हर वोटर को उसका 6,000 रुपया महीना प्रस्तावित है। तो जैसा आप लोग जो है हमसे जो जुड़े हुए लोग हैं, जानकारी आप लोग पा रहे हैं साहब के द्वारा, वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल, जो कैसे हमारा समाज मजबूत हो आर्थिक रूप से। दूसरा एक बात आती है कि अध्ययन अध्यापन जी जी, तो इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए साहब। अब आप देख रहे होंगे कि जितना स्कूल कॉलेज है वो सब धीरे धीरे करके प्राइवेट होता जा रहा है, सरकारीकरण खत्म होता जा रहा है। वोटर पेंशन से जो राशि वोटर को मिलेगी, अगर ये शिक्षण संस्थान प्राइवेट हो जाएंगे तो ये जो वहाँ का प्रबंधन है वो उनसे दिया हुआ वोटरशिप का पैसा उसी में जमा करा लेगा जी। इसलिए इस वोटर पेंशन से उसका परिवार चले, उसका अपना काम चले जी। इसलिए ये जो शिक्षा का निजीकरण है इसको पूरी तरह से रोका जाना चाहिए और इसको सरकारी ही उसमें है रखा जाना चाहिए जी जी। ये देश ताकि सब लोगों को मुहैया हो सके, हर लोगों को शिक्षा मिल सके जी। शिक्षा के बारे में हम लोगों का एक और कहना है कि समान शिक्षा होनी चाहिए, समान समान जी। और वो समान तब होगी जब आवासी होगी। अगर आवासी नहीं होती है जी, जैसे नवोदय विद्यालय है जी, आपका विद्या ज्ञान खुला हुआ है, इसी तरह से आवासीय विद्यालय जब होते हैं जी, तब जाके शिक्षा समान हो पाती है। और जब 10-20 साल एक साथ लोग रह करके पढ़ते हैं तो उनका जो जाति वाला चक्कर है वो भी जो है उनका बहुत ज्यादा ब्रेन वॉश हो जाता है और जातियां खत्म होने के कगार पर पहुंच जाती है जी। बैठेंगे, सोएंगे, खाएंगे, तो इसलिए हम लोग ये समान शिक्षा जो है होनी चाहिए, आवासीय शिक्षा। तो इसके लिए हमारे लोगों को संघर्ष करने की जरूरत है, जुड़ने की जरूरत है। समान शिक्षा जब तक नहीं होगी, इस पर मैं भी बराबर बताता रहता हूं आप लोगों को गायन के माध्यम से भी, तो समान शिक्षा से ही हमारे समाज का कल्याण होगा, क्योंकि हमारा समाज कॉन्वेंट में पढ़ाने की उसकी क्षमता नहीं है, इसलिए शिक्षा का निजीकरण बंद हो। तीसरी बात है साहब, चिकित्सा अस्पताल। हाँ, तो वो लगभग उसी तरह से है कि ये अस्पताल भी प्राइवेट होते जा रहे हैं जी।
अभी आप देखिए जो कोरोना चला था, उस कोरोना में अगर हमारा सरकारी तंत्र मजबूत ना होता तो हमारे यहाँ बहुत ज्यादा दिक्कत होती जी। लेकिन सरकारी तंत्र मजबूत होने की वजह से वो सारी दिक्कतें नहीं आई जो अमेरिका और इटली जैसे देशों में आई जी जी। इसलिए चिकित्सा में भी जो है हम लोग यही चाहते हैं कि निजीकरण खत्म हो जी और सरकारीकरण ही रखा जाए जी, बहुत बेहतर होगा साहब। आज वर्तमान में स्थितियां बिगड़ी हुई, पहले से भी बिगड़ी हुई लेकिन पहले से ज्यादा बिगड़ी हुई हैं, तो ये आतंक जो है, अत्याचार जो है, ये जो बढ़ता हुआ जा रहा है, तो इस पर कैसे लगाम लगेगी पार्टी की, क्या इस पर सोच है, क्या विचार है? इस पर जो है विश्वात्मा जी ने बहुत गहन अध्ययन किया और उसके बाद उनकी समझ में जो आया वो हम लोगों को बताया जी कि आतंक का कारण जो है वो असलाह होता है। असलाह, असलाह अगर किसी के पास ना हो तो उतना खुखार नहीं होता, अगर असलाह मिल जाता तो बहुत खुखार हो जाता जी। तो हम लोग ये चाहते हैं कि इसके लिए असलाह समाज से निकाल लिया जाए, केवल फौज उसका इस्तेमाल करे जी, समाज में नहीं रहना चाहिए, समाज में नहीं रहना चाहिए। जो लाइसेंस बन जाता है, लाइसेंस बन जाता करवा लिए, करवा लिए, एक एक घर में चार चार लाइसेंस है और 400 घरों में एक लाइसेंस भी नहीं है जी। ये थोड़ा सा गलत है, पूर्ण निरस्त्रीकरण लागू होना चाहिए, केवल वो सेना के पास, सेना के पास होना चाहिए जी। तो उससे जो है एट्रोसिटी एकदम खत्म हो जाएगी जी। और अगर ये सब नहीं हो पाता तो फिर लाइसेंस ही खत्म कर दीजिए, खुला बाजार कर दीजिए, सबके पास असला होगा जी, आतंक अपने आप खत्म हो जाएगा। आरक्षण जो देश में है तो उस पर बराबर बहस होती रहती है, चर्चाएं गर्म होती रहती है, तो उसके बारे में पार्टी क्या जो है अपना, इसके बारे में पार्टी का साफ स्टैंड है कि आरक्षण जो है वो हर वर्ग हर जाति जो है अपना अपना, किसी साल कोई मांग रहा, किसी साल कोई मांग रहा, कभी कोई मांग रहा, एक भी उसका जो है सीधा सा संख्या बल जिसको संविधान मंजूरी देता है जी, तो संख्या के आधार पर रिजर्वेशन दे दिया जाए जी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी जी, सीधा सा जो है आरक्षण का मामला हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए जी। ये तमाम जो है दलों की भी मांग है, तमाम और लोगों की भी मांग है कि जिसकी जितनी संख्या भारी, हम भी उस पर जो है हमारी पार्टी भी, हम लोग भी इस पर यही स्टैंड करते हैं जी। छोटे छोटे साहब संगठन है, दल है, तो ये लोग एक जगह कैसे आएंगे और एक विजन जो है आकर के उसी पर काम करें सब लोग मिल करके, तो सफलता हासिल हो सकती है, अन्यथा इधर उधर शक्ति लगाने से तो शक्ति बेकार जाएगी, ऊर्जा बेकार जाएगी, निश्चित रूप से बेकार जाएगी। क्योंकि अभी तक यही होता आया है कि जो परेशान वर्ग है जी वो 99% जी जी जी, और देश की आधी पूंजी, आधे देश की पूंजी वो 1% लोगों के पास में जी, आधे देश की जो पूंजी बची उसमें 99% लोग जो है संघर्ष करके अपना अपना जो है वो आशियाना ढूंढ रहे हैं, अपना अपना खाना ढूंढ रहे हैं जी, कितना कम हो जाता है। अब इन 99% लोगों के अंदर 99 दल बने हुए हैं जी, और 1% के अंदर 1 या 2 दल बने हुए हैं जी, तो ये जो वोट बढ़ जाता है समान विचारधारा होते न होने से, उसकी वजह से हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं सभी छोटे बड़े दलों को मिल करके जी, उनको ये 5 जो बिंदु हैं इनका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना के हम लोग चाहते हैं कि इन पर ही सारे लोग मिल करके काम करें, लड़ें जी, और मतलब जो है देश में बदलाव लाएं जी, जिस व्यवस्था परिवर्तन की बात सभी बात करते हैं उस व्यवस्था परिवर्तन को वास्तव में लाया जाए जी जी जी, तभी देश का कल्याण होगा, तभी जनहित का जो है काम होगा, तभी जनहित का, तभी गरीबों का कल्याण होगा जी जी, अन्यथा होना असंभव है। अन्यथा तो लोगों की कुर्सी मिल जाती है और कुर्सी से वो अपना जो है कल्याण कर लेते हैं, अपने इष्ट मित्रों का कर लेते हैं काम खत्म जी जी, आज तक ही हो रहा है। तमाम लोग जुड़े हुए हैं साहब सोशल मीडिया से, तो जिन लोगों को आपकी बात अच्छी लगे तो कोई अपना संपर्क सूत्र नंबर दे दीजिए ताकि वो आपसे संपर्क कर सकें और जुड़ सकें। हमारा संपर्क सूत्र नंबर जो है वो सार्वजनिक रूप से फैला हुआ है 9696123456 जी, बहुत आसान है 9696123456 जी जी साहब, इस पर जो है संपर्क करने से वोटर्स पार्टी के सारे उसमें जो है उसका मैसेज पहुंच जाता है। इस नंबर से आप लोग जुड़ने के लिए या जानकारी लेने के लिए इस नंबर के द्वारा आप लोग जानकारी ले सकते हैं। हमारा नंबर अगर लेना चाहेंगे तो 9415154628 जी, और मैं प्रदेश कमेटी में उपाध्यक्ष के पद पर जो है काम कर रहा हूँ जी, और अभी पार्टी का नया नया काम उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ है जी, अभी तक ये आसाम में पूरा काम कर रहे थे जी जी, और उसके बाद जो है इनको 4-5 महीने जो है हमारे माननीय नेता विश्वात्मा जी को जी
नागालैंड जेल में रखा गया जी। उसके बाद जो है जब लॉकडाउन खुला है तब जाकर उन्हें छोड़ा गया जी। तो अब काम उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ है और सबको जो है जी जोड़ने का प्रयास हम लोगों ने शुरू कर दिया है। तो साथियों, जनहित का ये जो एजेंडा है साहब ने बताया, कैसे गरीबों का, बहुजन समाज के लोगों का कल्याण होगा, इस पर आप मंथन करिए, चिंतन करिए। जानकारी के लिए जो नंबर है उससे आप जुड़ करके जानकारी ले सकते हैं। पुनः साहब आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं, आपने अपना समय दिया। धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।